तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रहा हूं और ये बात डैनियल को पता चल गई है, इसलिए वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तुम कोमा में हो ये सोचकर वो शांत है। हे, क्या हो गया? हे, अदिति, अदिति, सांस लेने में अदिति तकलीफ हो रही है। ऑक्सीजन मास्क, कम ऑन प्लीज। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। इतने दिनों से वो कोमा में है और हमें पता भी नहीं चला। उसी दिन उसकी कहानी खत्म कर देनी चाहिए थी। गलत कर दिया मैंने। किसने कहा था कि वो मर गई? कौन था वो? कौन था वो? अच्छा हुआ जो मैं बच गई। लेकिन अब तुम मुझे डैनियल से कैसे बचाओगे कुमार? हेलो मिस्टर महेंद्र सर। बोलो कुमार। सर लेक एरिया में जाफर को मारकर फेंक दिया। अब तुम क्या करोगे? अदिति का लाइफ सपोर्ट हम निकालने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग ही रहा था ऐसा कोई मिरेकल हो जाए और अदिति बच जाए। अदिति का लाइफ सपोर्ट निकालने का फैसला इतनी जल्दी लेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, मुझे मेरी अदिति चाहिए। आपने जो सुना है वो करेक्ट सुना है। हॉस्पिटल टीम ने डॉक्टर अदिति का जो लाइफ सपोर्ट है उसे अगले 5 दिनों के अंदर रिमूव करने का डिसीजन लिया। अदिति जिंदा है तो आप लोग लाइफ सपोर्ट क्यों निकाल रहे हो? कुमार डोंट गेट इमोशनल। अदिति यहाँ सिर्फ पेशेंट नहीं है, वो इस हॉस्पिटल की डॉक्टर भी थी। उसके लिए हम कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे। इनफैक्ट ये हमारा डिसीजन नहीं है, उनकी फैमिली द्वारा लिया गया डिसीजन है। भाई हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था इसीलिए हमने डिसीजन लिया। उसको बचाने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल के लोगों ने अदिति को बचाने की बहुत कोशिश की। हमारे पास जो कुछ था हमने खर्च करके देख लिया। अगर पैसों की बात है तो मैं भी आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, थोड़े दिन और वेट कर लेते हैं। ऐसा और उसको संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल में उसकी जान से ज्यादा उसकी इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। हमारा डिसीजन सही है ना? शायद उसको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। सॉरी। बैठो। मैं यहाँ बैठकर बात करने नहीं आया। तो खड़े खड़े बात करोगे? अरेस्ट हिम। वजह क्या जान सकता हूँ? खड़े होकर बात कर। तुम्हारे फैक्ट्री के वेस्टेज से पूरा विलेज प्रॉब्लम में आ गया है। मैडम जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, अदिति सीरियस है। Thank you.
कल मेरी बॉडी के ऑर्गन्स निकालने के लिए साइन ले रहे हैं। साइन मत कीजिए प्लीज, साइन मत कीजिए। एक न एक दिन अदिति जरूर कोमा से बाहर आ जाएगी। बोला ना साइन मत कीजिए। कुमार डिस्टर्ब मत करो, बाहर जाओ। सर ना मैं बाहर जाऊंगा ना साइन करने दूंगा। अदिति की चिंता हमसे ज्यादा तुम क्यों कर रहे हो? मैं अदिति से प्यार करता हूँ। हाँ ये भी मुझसे प्यार करती है। तुम उससे कब से प्यार कर रहे हो? जब से मिला हूँ तब से प्यार करता हूँ। समझ सकता हूँ कुमार, रिलैक्स प्लीज। नहीं सर, आप लोग मेरी बात समझिए। इन्हें बाहर लेकर के जाओ सर, प्लीज सर। इन्हें बाहर लेकर के जाओ सर, प्लीज। हॉस्पिटल के अंदर मत आने देना, लेकर के जाओ। अगर तुम कहो तो मैं एक बार फिर से अपने शरीर में जाने की कोशिश करूं क्या? कल की सुबह नहीं होनी चाहिए, कितना अच्छा होगा ना। अगर कल की सुबह हुई तो मैं सच में मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ओके बोलो मानसी, प्लीज ओके बोलो, इससे कहो आप ना। मदद करेंगी तो हो सकता है कि बॉडी कैसे किडनैप कर सकते हो? पता चलेगा तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। प्लीज कल अगर कोई पुलिस केस हो गया तो क्या होगा? कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा, आप क्यों चिंता करती हो? आप जैसे ड्यूटी पर आते हो वैसे ही आओ, आप थोड़ी हेल्प करोगी तो हो जाएगा प्लीज। ठीक है। ए तूने सुबह सुबह दारू पीने के लिए बुलाया था ना? अच्छा तो दारू पीने के बाद मजे करेंगे, इसका भी तूने इंतजाम कर लिया है क्या? सुपर सुपर। लेकिन ये आंख फाड़ कर देखने वाली नर्स क्यों? यही हमारी मदद करने वाली है। क्यों, नशा ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा साथ देगी क्या? वैसे ये भी ठीक ही है। दीदी चार्ज लार्ज लेने के बाद तू मुझे संभाल लेना, उसके बाद लूंगा ना तो उल्टी हो जाएगी। मेरी बात सुन, हॉस्पिटल से हम अदिति की बॉडी किडनैप करेंगे। बोला बॉडी को किडनैप करने जा रहे हैं? मलेशियन पुलिस की बॉडी कभी देखी है क्या तूने? पाम ऑयल डालकर अच्छे से खाते हैं और पंपकिन की तरह बॉडी रखते हैं, अगर एक पंच मारेंगे ना तो एकदम खत्म हो जाएगा। ये क्रिमिनल केस है। बात करता है क्या दीदी, ये सच बोल रहा है क्या? सच है। अरे बाप रे, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर सकता। गाड़ी को साइड पे रोक यार, एक अच्छे खासे बैचलर की मौत का जिम्मेदार मत बन, गाड़ी रोक दे। अरे गाड़ी रोक भाई। चुप कर, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अदिति के रूम के बाहर मैं रहूंगा और तुम अदिति की बॉडी को स्ट्रेचर से बाहर लेकर आओगे, मानसी तुम्हें हेल्प करेगी। क्या बोला? अरे बाप रे, डरने की जरूरत नहीं है, और बॉडी को मुझे लेकर आने को बोल रहे हैं, मेन काम तो यही है, मुझसे नहीं होगा। कुमार, उससे उससे कहो ना वो मेरे भाई जैसा है। ए, तू उसके भाई जैसा है बोल रही है? पीछे तो ये नर्स बैठी है, वो कहाँ है? क्यों बे, बहने सारी भूत जैसी होती है और ये भूत मुझे भाई बोल रही है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया। ए, भगवान। तुम लोग बी ब्लॉक पे वेट करो, वहाँ तो अच्छी नर्स देखने मिलेंगी ना। ए ये देख कर नहीं चल सकता क्या? ये ले भाई, तुम दोनों देख कर नहीं चल सकते, डुएट गाना गाते हुए आ रहे हो, बात करते हो। बंद करो ये बकवास, क्या आरडी बर्मन हो क्या जो सोलो में गा रहे हो? मैटरनिटी में डिलीवरी रुक जाएगी। क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है, तुम्हें पता हम किस गांव से आए हैं? तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों अलीबाग से आए हो। मेरा दिमाग तो सही है ना, कनेक्शन देने वाला जैसे लग रहा है। सॉरी अब परेशान मत हो ना, मैं अनजाने में तुम लोगों से टकरा गया था, कहो तो मैं मसाज कर देता हूँ। ओम भूर्भुव वस्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवः स्वाहा। ओम भूर्भुव वस्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवः स्वाहा। यार ये अलीबाग के लोग मुझे पागल कर देंगे। अरे बाप रे, तो वापस आ गए। अरे बाप रे, मम्मी हमें उस तरफ जाना है। अरे ये तो अलग तरीके से बुला रही है। चल चल आजा। अबे ये तो एकांत में ले जा रही है, हमारी किडनी चुराएगी क्या? बेल्ट को जरा टाइट बांध देता हूँ। ये लो ड्रेस चेंज कर लो। क्यों, इस ड्रेस को क्या हो गया? अच्छा ही तो है, हम बॉडी उठाने जा रहे हैं, हमें ड्रेस चेंज करने की क्या जरूरत है? इसी तरह से तुम अदिति को ले जा सकते हो, पहन लो। अरे ओ नर्स मैडम, मुझे देखकर मजाक सूझ रहा है क्या? मैं तुम्हें कंपाउंडर और ये तुम्हें मुन्ना भाई एमबीबीएस लग रहा है क्या? ए सुन, ये ड्रेस मैं नहीं पहनूंगा। अरे मेरी भी तो कोई प्रेस्टीज है। ले ये तू पहन ले। पहन लो। क्या आके फाड़ के देख रही है मेरी तरफ? डॉक्टर का ड्रेस चाहिए था ना, पहनो। लगता है देखे बिना यहाँ से जाएगी नहीं। अरे जल्दी करो।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर, हाथ आगे कीजिए। ये लो, ये क्या है? विभूति। ये पेमेंट है क्या? ये पेमेंट नहीं, प्रसाद है। आप लोगों को तकलीफ क्या है? सुनो, आपके पति ऐसे क्यों रो रहे हैं? अरे ये भी रोने लगी। ए सुनो, अब तुम्हारी पत्नी क्यों रो रही है? डॉक्टर, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हम नहीं गए, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां हमने माथा ना टेका हो। समझ गया, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, डॉक्टर को मिलने से फायदा होगा, तुम समझते नहीं हो। डॉक्टर आप मानो, हमारी समस्या बताने से पहले ही आप समझ गए। आप डॉक्टर नहीं हो, आप तो भगवान हो। भगवान देखकर पता चल जाता है कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा या नहीं। रहने दो रहने दो, मेरी बात सुनो। ये बताओ तुम दोनों कहाँ काम करते हो? सुपरमार्केट में। कौन सी शिफ्ट में? नाइट। मैं नाइट में काम करती हूँ, ये डे में काम करते हैं। तो फिर तुम दिन में सोती होंगी और रात में सोते होंगे। अच्छा है। एक बात बताओ, सप्ताह में एक लीव रहता है, उस दिन क्या करते हो? अपना मुंह बंद करो। अरे तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? जो बैठो डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं, बैठो। और क्या डॉक्टर, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, उसको बेकार जाने देंगे क्या? वह खा पी कर जो चटाई बिछाते हैं, उसके बाद अगली सुबह तक। अगली सुबह तक क्या? सोते रहते। डॉक्टर आपने मुझसे तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। जब ग्राउंड में बैट्समैन ही नहीं है तो सिंगल बॉलिंग करके क्या उखाड़ लोगी? ठीक है, मेरी बात सुनो, दोनों एक ही शिफ्ट में काम करो। डॉक्टर आप ट्रीटमेंट की बात करने के बजाय शिफ्ट की बात क्यों कर रहे हैं? सुनो, तुम्हें औलाद चाहिए कि नहीं? चाहिए डॉक्टर, मुझे तीन चाहिए। तो एक काम करो, इसे ले जाकर टेस्ट के लिए लेकर आओ। डॉक्टर मेरे लिए डब्बा? तुम्हें डब्बा क्यों चाहिए? ये कोई भगवान का प्रसाद है क्या जो सबको चाहिए? ले जाओ इसे। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट होने के बाद बच्चा होगा ना? मैं ऐसा डॉक्टर हूँ कि जो कोमा में हो उसको ठीक करके बच्चा पैदा करवा सकता हूँ, भरोसा करो। डॉक्टर मुझे एक डाउट है। क्या? इसमें कैसे टेस्ट करेंगे? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नर्स, डॉक्टर साहब कह रहे हैं नर्स हमारी मदद करेंगे। चलो चलो, मेरा मतलब बोल रही है। चलो चलो नर्स, तू अपनी इज्जत बचा ले। I am the doctor. कहाँ गई वो? कहाँ गायब हो गई वो? वो रूम में ही थी सर। वो डॉक्टर साहब अभी आने वाले हैं। रोजी, अदिति अपने रूम में नहीं है, कहाँ है वो? एक सेकंड सर, डॉक्टर ने मॉर्निंग में चेक किया था, ट्रीटमेंट हल्फ पे चल रहा है, अभी वो सुबह आएगी। जल्दी बोलना, जल्दी कर। ओके सर, ठीक है सर, वो जैसे आते हैं मैं आपको कॉल करने के लिए बोलती हूँ। ओके सर, कुमार, ठीक है। डैनियल, एक्सक्यूज मी। यस सर, बोलिए सर। मुझे डॉक्टर अदिति से मिलना है। आप उनके कौन है सर? अंकल। अंकल? ए, ये तो खुद को अदिति का अंकल बोल रहे हैं। ये कहाँ गायब हो गया? बिना बताए कहाँ चला जाता है ये? ऑर्गन्स निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर ले गए। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? ऊपर 7th फ्लोर। थैंक यू। अरे कहाँ चला गया? ए, अबे तो यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? जल्दी तो टॉयलेट में जाना। ए, यही डैनियल है। हाँ तो क्या हो गया? अदिति और मुझे मारना चाहता था। वो यहाँ क्यों आया है? लगता है तेरा मसाज करने आया है। क्या पूछ रही? ए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हो पाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं, दो तीन बियर मारते हैं और निकल लेते हैं। इससे पहले कि डैनियल ऑपरेशन थिएटर पहुँचे, प्लीज मुझे बचा लो कुमार। कैसे भी करके हमें अदिति को बचाना है। ये कैसे हो सकता है यार? चल ठीक है, करते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं सीसीटीवी रूम में जाता हूँ और तू सर समझ गए ना? बोलिए सर। डैनियल जेल से भाग गया और उसके केस में डॉक्टर अदिति एक मुख्य विटनेस है, इसलिए उसका लाइफ सपोर्ट ना निकालने का ऑर्डर है। माय गॉड, अब तक तो उनके ऑर्गन्स निकाल चुके होंगे। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है?
सर आदिति से मिलना है। नहीं सर, आप नहीं मिल सकते। डॉक्टर्स आदिति के ऑर्गन्स निकाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% ओवर हो गया है। 20 मिनट्स में बॉडी बाहर आ जाएगी, तब आप देख सकते हैं। डॉक्टर्स ने कुछ देर के लिए किसी को भी अंदर आने का अलाउ नहीं किया है। डॉक्टर, डॉक्टर, व्हाट हैपेंड डॉक्टर? लगता है किसी ने अंदर आकर काम बिगाड़ दिया है। सीसीटीवी रूम कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर पर है। ओके डॉक्टर,